सभी का धन्यवाद करके बैठता। धन्यवाद शर्मा जी का। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं जेपी जाखड़ जो खेड़ी से है, नौजवान युवा जुझारू अपने विचार रखेंगे। जेपी जाखड़ जी मेरे परम आदरणीय आदर और मान सम्मान के योग्य दिन रात खेत कमाने वाले मेरे देश के अन्नदाता पावन और पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान मजदूर भाइयों ने और सत्रों खाप के बुद्धिजीव प्रबुद्ध पंचायतियों को मैं जेपी जाखड़ गांव गंगनखेड़ी तपा पेटवाड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। साथियों, जो अपना यू किसान आंदोलन चलाया है बड़ा शांति प्रिय ढंग से चल रहा था, हम बड़ा अनुशासन में थे और इस अनुशासन को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने अपने आरएसएस के गुंडे और जो चंद कार्यकर्ता है उनके भय रुपया किस्म की है ये सरकार, किसी न किसी रूप में गुंडे के रूप में पुलिस के रूप में, लेकिन हमारी जो हरियाणा पुलिस है, हमारे फौज के जवान है, वो हमारे भाई हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन उनके भेष में हमारे ऊपर लगातार दो दिन से वो हमले करवा रही है। हम उस हमले में किसी भी तरीके से हम ना तो फौज पे वार करेंगे ना हमारी पुलिस पे वार करेंगे, लेकिन उनको हमने पहचानना होगा जो ये सरकार हमारे ऊपर गुनाहगर्दी के तौर पे हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। और जिस तरीके से लंबे समय से इस सरकार ने बड़े षड्यंत्र रचे हैं, कभी तो धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से बड़ा तांडव रचा है और बड़े प्यारे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, हम इनके बहकावे में आए उस नारे को भी इन्होंने दाग लगाने के काम किया है। जैसे बोलते थे ना, हम तो सीधा बोलते हैं भारत माता की जय, एक बार जरूर बोलोगे भारत माता की, और इनका नजरिया उस नारे का क्या है, भारत माता की। इस तरीके से हमारे ये नारा समझ में नहीं आया, हमने इनको ये लगा लिया, बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा नारा है, बड़ा पवित्र नारा है, इसके पीछे बड़े अनुशासित सरकार होगी, हमने इस सरकार को, इस गुंडा सरकार को चुन लिया, हम इनके बहकावे में आ गए थे। तो इन्हें ना जाति और धर्म का वो नशा पिलाया है, वो गुंडे तैयार करके इन्होंने मतलब इस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को गुमराह किया। वो कौन सा नशा है, ये सबसे बड़े नशे के कारोबारी हैं, जिन्होंने हमारी हिंदुस्तान की जनता को नशे में डामाडोल कर दिया। अरे शराब का जो नशा होता है, वो शराबी एक बार तो पता नहीं कुछ बोल जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही जैसे उसकी शराब उतरेगी वो ये बोलेगा भाई सुबह मेरे शाम को मेरे से गलती हो गई। लेकिन इन्होंने तो वो मदिरा पिलाया है जो हमारे सीधे मीडिया के जरिए, जो इनको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया के जरिए नजरों से पिलाया गया, और जो इनकी अभद्र भाषा और गलत भाषाओं का प्रयोग करके हमारे कानों के जरिए पिलाया गया, उस नशे के जरिए हमारी जो ये भोली भाली जनता है नशे में डामाडोल हो गई। और इन्होंने ये नहीं पता चला हम आपस में भाई भाई हैं, किस तरीके से हम अपने भाई पे वार करेंगे, क्या करेंगे, इस भोली भाली जनता को समझ में नहीं आया। मेरे किसान साथियों, मेरे मजदूर साथियों, ये हमने बड़े समझने की बात है, मतलब जिन्होंने इतने लंबे समय से ये तीन चार तो ऐसे ढंगोसले बगाए हैं, कभी हमसे एसवाईएल का मुद्दे के भटकाया जाता है और ये बेहुदा कलंक हमारे ऊपर लगा के बिना काम का, हमने शर्म आती आज इस तरीके से वो नाम लेते हैं हमारे राष्ट्रीय झंडे का। अपमान हमने नहीं किया, लेकिन ये तांडव सारा भारतीय जनता पार्टी ने खुद इसके गुंडे भेज के वहां सिर्फ एक फोटो उतरवा दिया और उसके कारण हमारे अंदर दिल में मैल हो गया।
और 26 तारीख को जैसे ही हम आए, सिर्फ इस वजह से हम आए थे भाई, ये जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान इस तरीके से किया है, चलो भैया हम वापस गांव में चलांगे और विचार करांगे इस पर ये क्या हुआ। लेकिन हम तो विचार करने के लिए आए थे, इनने वो जो खाली पाड़ा समझ लिया आंदोलन का। हम ये बता देना चाहते हैं खाली नहीं है वो, राकेश टिकैत शेर का बच्चा है, शेर हो गया हो वो शेर का बच्चा है। उस शेर को इन्होंने गिद्ध समझा था, डराया धमकाया, लेकिन हमने विचार करने के लिए आए थे गांव में, ना कि हम ऐसे न्याय आंदोलन को छोड़ के न्याय खाली नहीं छोड़ेंगे हम। और उसी टाइम जैसे ही वो भबक भबक के रोया, जिसमें हमारी माता बहन के छोटे बच्चे ने वो वीडियो देखी और हम भावुक हुए, ऐसा लगा जैसे हमारे सीने में एक तीर चुभो दिया इस सरकार ने, हमारी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। हम इस सरकार को यह बता देना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है, हम सभी भाई मजबूती से इस किसान आंदोलन को जीत के आएंगे, ऐसा संयम हमने रखना है। और ये तो मतलब इन्होंने जो झंडे का अपमान करके ये दर्शाया था भाई किसान आंदोलन पे कलंक का दाग लगाने का इन्होंने काम किया था, ऐसे ऐसे बहुत से हथकंडे बहुत से तांडव ये रचेंगे, उस पे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है मेरे किसान साथियों। मैं यही कहना चाहता था, किसी भी तरीके से आगे भी बहुत कुछ ये तांडव रचेंगे, बहुत कुछ हमने अपने मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। आपने किसी भी सूरत में अपने मन और अपने भाईचारे पे संतुष्टि रखनी है, हिम्मत रखनी है, हम जीत के ही आएंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद जेपी भाई का। भाई एक तो हमारी पंचायत ताड़ी उजागर कर दे, हम नारे ला जाएंगे, किसान की बात है कौम की बात है, नारे ला लो एक दो, हाथ खुल जाएंगे। किसान एकता जिंदा।